अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस टाइम क्रॉस कर रहा हूँ स्वाहा से रावलपिंडी और आज हम जा रहे हैं मनकियाला रेलवे स्टेशन। गीगा मॉल पे क्रॉस हो रहा हूँ उस टाइम में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मनकियाला रेलवे स्टेशन पे। आज यहाँ से जो ट्रेन्स वगैरह गुजरेंगी मैं कैप्चर करूँगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। मनकियाला रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है, देखते हैं इसमें क्या क्या है, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं फिर। बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये ट्राली नज़र आ रही है आपको, ये सामान वगैरह ले जाने के काम आती है, और फिर ये इमरजेंसी वगैरह जाना होता है उसमें ये यूज़ होती है। मनकियाला रेलवे स्टेशन, ये मेन बिल्डिंग है इसकी, जो कि कराची के माड़ी से 1482 किलोमीटर के फासले पे, और साहिल समंदर से जो है इसकी हाइट है तकरीबन 1766। ये दफ्तर है स्टेशन मास्टर का, उसके साथ ही ये आरामगाह है बराए रेलवे हकाम की। ये स्टेशन का पिछला हिस्सा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये हैंडपम्प लगा हुआ है और पानी वगैरह आ रहा है इसमें, और ठंडा पानी है काफ़ी। ये बिल्डिंग के साथ ही स्टेशन का बैटरी रूम और साथ ही इक्विपमेंट रूम है। कम्युनिकेशन टावर, मनकियाला रेलवे स्टेशन पे ये तीन लाइन्स हैं। ये सामने जो नज़र आ रही है आपको ये लूप लाइन है, दरमियान में वो मेन लाइन हो गई, और आगे जो नज़र आ रही है वो अप के लिए जा रही है, और ये जो सेंटर में मेन लाइन है, और जो जिधर मैं चल रहा हूँ ये तक टाउन के लिए होती है। ये कराची के माड़ी से 1482 किलोमीटर के फासले पे मनकियाला रेलवे स्टेशन। ये कुछ स्लीपर्स पड़े हुए हैं, ये ट्रैक स्लीपर्स कहलाते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो काफ़ी अरसे से बंद है, ये कार्गो के पास हुआ करता था रेलवे, जो अभी काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ रंगों के बहुत ख़ूबसूरत फूल लगे हुए हैं। दो बज के तकरीबन 5 मिनट हो गए और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस गुजर खान से क्रॉस हो गई है, वो अब से कुछ देर बाद मनकियाला रेलवे स्टेशन से गुजरेगी, वो इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे। ये बिल्डिंग की बैक साइड है, इधर ये रेलवे वालों के क्वार्टर्स बने हुए हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, और सामने एक छोटी सी मस्जिद है, कदीमी जामिया मस्जिद मनकियाला रेलवे स्टेशन।
ये वार्निंग बेल नज़र आ रही है, ये पुराने वक्तों में यूज़ होती थी। ये शहद की मक्खी का छत्ता नज़र आ रहा है आपको। बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। ये मेरे दोस्त हैं राजा इतरत और उस्मान सिद्दीकी। सिग्नल डाउन हो चुका है। 39 जाफर एक्सप्रेस मनकियाला रेलवे स्टेशन से क्रॉस करेगी। 39 अब जाफर एक्सप्रेस मनकियाला रेलवे स्टेशन से क्रॉस होगी। दैट्स 20 इसे लीड कर रहा है। सामने तरकी पायलट नज़र आ रही है जो तरकी किसी काम के सिलसिले में जाएगी। इधर मनकियाला रेलवे स्टेशन जैसे क्रॉस पड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा इंतज़ार है। ये गार्ड वैन है, ये अंदर से दिखाता हूँ आपको। इससे आगे ट्रॉलीस लगी हुई हैं जो सामान लाने ले जाने के काम आती हैं। सर हम रावलपिंडी से रवाना हुए हैं। अच्छा। तो हम तरक्की तक जा रहे हैं, ये डर रहे हैं इनके अंदर बच्ची लोड होगी। अच्छा, ये रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर डलती है, सीमेंट के ये होंगे। हाँ जी, ये उधर हम छोड़ेंगे तो ये आगे पीछे से सिस्टम आती हैं, तो इस पर मुख्तलिफ स्टेशनों के ऊपर ना ये फिर छोड़ेंगे। जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे ना, जो जो इनकी डिमांड होगी, स्लीपर की है, मोटे पत्थरों की है, बजरी की है। अभी यहाँ से कितनी देर तक आप जाएंगे? ये तकरीबन हमारा ट्रेन का क्रॉस है, उसके बाद इंशाल्लाह हमें चलाएँगे। मेहरबानी भाई। ब्रेक वैन ये ट्रॉलीस हैं जिसमें स्लीपर्स और रेत वगैरह रेलवे की जाती हैं। ये स्टाफ है इस गाड़ी का। लोकोमोटिव HBU-20 से लीड कर रहा था। फोर्टी एट डाउन रहमान बाबा मनकियाला रेलवे स्टेशन से क्रॉस करेगी। तरकी पायलट तरकी के लिए रवाना हो रही है जो तरकी रेलवे स्टेशन पर जाएगी।
ऑन ग्रीन लाइन इस्लामाबाद से कराची के लिए। फोर्टी फाइव अब पाकिस्तान एक्सप्रेस मनक्याला रेलवे स्टेशन के पास हो रही है। और ये एरो का निशान है, इसका मतलब किबला रुख है। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस हवेलिया से कराची के लिए, जो कि अब क्रॉस होगी मनक्याला रेलवे स्टेशन से। हज़ारा एक्सप्रेस हवेलिया से कराची के लिए PHA 20 8319 इसे लीड कर रहा है। सबखरम 104 104 सबखरम रावलपिंडी से दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो मनक्याला रेलवे स्टेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।